सागर मंथन में अमृत से पहले विष निकलने का अर्थ ये है कि शुभ विचारों को जन्म देने के लिए पहले अशुभ विचारों को मन से बाहर निकालना पड़ता है। व्यक्ति दुखों का सामना करने के पश्चात ही आनंद तक पहुंचता है। अमृत निकल आया माता? नहीं, श्री का आविर्भाव हुआ है। देवी महालक्ष्मी का संपन्नता आदता रूप है ये। नारायण असत्य नहीं कह सकते, अमृत अवश्य आएगा। अमृत तो अवश्य मिलेगा, परंतु इन देवों को नहीं। ना ही अमृत, ना ही श्री। बच कर डालो इन देवों का। अधिकार नहीं किया जा सकता। श्री व्यक्ति के कर्मों के आधार पर स्वयं चुनती है कि उन्हें किसके पास जाना है। श्री का अधिकार है कि वो कहां जाना चाहती है, और इसमें ना तुम विघ्न डाल सकते हो और ना ही दे। कनी का तर्क उचित है, से स्वयं उनकी इच्छा पुछो। शनि, हमें क्षमा करें महादेव, आप अपना निर्णय स्वयं दें। सबसे अधिक तो मैं तुम पर प्रसन्न हूं शनि, तुम में बुद्धि भी है और चेतना भी। मांगो, कौन सी संपदा चाहिए, किस माया की इच्छा रखते हो? आप माता हैं और मैं आपके पुत्र समान, और पुत्र को केवल माता का आशीष ही पर्याप्त है। मुझे माया या ऐश्वर्य में कोई मोह नहीं। कुछ देना ही है तो अपना आशीर्वाद दे कि मुझे मोह या संपत्ति कभी विचलित ना कर पाए, ताकि मैं सदा न्याय के मार्ग पर चलता रहूं। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम्हारा निस्वार्थ भाव देखते हुए मैं तुम्हें एक आशीष और देती हूँ। एक समय आएगा जब अनगिनत व्यक्ति तुम्हारा अनुसरण करेंगे। जो तुम्हें श्रद्धा रखते हुए न्याय के पथ पर चलेगा, मेरा हाथ सदा उस पर रहेगा, वो सदा संपन्न रहेगा। अब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि मैं किसके पास जाना चाहती हूँ। श्री को वश में कर पाना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं। मैं उसे चुनूंगी जो शक्ति में अनुपम हो, जो बुद्धि में श्रेष्ठ हो, और दया जिसके रोम रोम में हो, जो मुझसे ऊंचे पद पर हो और मुझसे अधिक ऐश्वर्यशाली हो, परंतु फिर भी माया मोह और ऐश्वर्य से विरक्त हो। कहो शनि, ऐसा कौन सा नर है यहाँ? ऐसा तो कोई नर नहीं है महादेवी। समस्त संसार श्री के वैभव से चलता है, और आप जिसकी हो उसे संसार का संचालक होना होता है। माया में रहकर भी माया से दूर रहना किसी नर के तो वश में नहीं। ऐसा तो केवल वही हो सकता है जिसे पोषण की आवश्यकता ना हो, बल्कि
वो सबका पोषण करे। आपके उपयोग केवल नारायण है। पूर्ण पुरुष सबसे ऐश्वर्यशाली परंतु सबसे मुक्त महाविष्णु नारायण, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप महालक्ष्मी को स्वीकारें। देखा अम्मी, देवी महालक्ष्मी के आते ही हमारा वैभव लौट आया। ये सब शनि का प्रताप है माता। जानती थी मैं शनि देवों की श्री और शक्ति लौटाने का मार्ग निकाल ही लेगा। मेरा भाई सबका मार्गदर्शक है। चल हुआ है हमारे साथ। देवताओं को पुनः शक्तिशाली बनाने का षड्यंत्र था ये। देव मित्रों, हमने जो चाहा था हमने पा लिया। बात हमें इन असुरों की मनमानी सही हमने। आज सदा के लिए इन असुरों का अस्तित्व इसी सागर के तल में देते हैं। और लीजिए इनकी सहायता आचार्य, शक्ति पाते ही अपना वास्तविक रूप दिखा दिया इन देवों ने। अब हम भी अपना वास्तविक साहस दिखाएंगे। स्मरण है कि नारायण और महादेव ने क्या नियम बनाया था कि जिसने भी छल किया उसे त्रिदेव के क्रोध का सामना करना होगा। श्री लौट आई है, शक्ति लौट आई है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम त्रिदेव से सामना करने में सक्षम हैं। महादेव ने हमें नागराज वासुकी दिया। मद्रांचल पर्वत को स्वयं नारायण ने कूर्म अवतार लेकर धारण किया हुआ है, इसलिए कि हम आपस में झगड़ा करें। दानवों का स्वभाव जो भी हो, आप देव हैं और देव अपना दिया वचन कभी नहीं तोड़ते। बोलिए, क्या देवलोक का यही नियम है? मंथन फिर से प्रारंभ करो राहु। मंथन अब एक ही स्थिति में प्रारंभ होगा शनि। अब जो भी सागर तल से निकलेगा उस पर मेरा, हम असुरों का अधिकार होगा। बोलो स्वीकार है? राहु, ये बंधन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। निर्णय तुमसे नहीं देवराजेंद्र, शनि से मांगा जा रहा है। बोलो, ये बंधन स्वीकार है या नहीं? है। ये असुर विश्वास के पात्र कदापि नहीं है। जो जिस फल का पात्र है उसे वही फल मिलेगा।
आप अपना कर्म कीजिए इंद्रदेव। अब तक सब कुशल मंगल से है महादेव। हाँ नारायण, मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। शनि ने सिद्ध कर दिया कि उसका सृजन करके उसे कर्म फलदाता बनाकर हमने कोई भूल नहीं की। मुझे पूर्ण विश्वास है, जब तक शनि उपस्थित है तब तक समुद्र मंथन में कोई अन्याय नहीं होगा। विस्फोट कैसा? विस्फोट नहीं, संकेत है ये। अमृत आने को है। मन कह रहा है कि जो आया है वो अमृत है। ये निश्चित रूप से अमृत नहीं है। ये तो महाविष है। हला हला ये। राहु, तुमने ही बंधन रखा था कि अब जो भी समुद्र के तल में से निकलेगा उसे असुर स्वीकारेंगे, तो स्वीकारो इसे। इतना मूर्ख नहीं मैं तो ये विष स्वीकारूंगा। मैं नहीं स्वीकारता ये विष। कह दो इन देवों से कि वो ये विष पी सकते हैं। प्रश्न ही नहीं उठा रहा हूं। तुमने इसकी मांग की थी और अब इस विष को असुरों को ही स्वीकारना होगा। ये विष देव स्वीकारेंगे। असुर? असुर स्वीकारेंगे। देव? असुर स्वीकारेंगे। अंतन में से जो भी निकला है वो आप सबके कर्मों का फल है। अब तक हमने इतने रत्न बांटे तो अब इस विष को भी बांटना होगा, अन्यथा इसकी ज्वाला सारी सृष्टि का अंत कर देगी। सृष्टि पर आए संकट को टालने के लिए हम अपने प्राण क्यों देंगे? तुम लोग देव हो ना, करो सृष्टि का कल्याण। राहु, किसी मूल्य पर नहीं। ना हमने इस विष की मांग की थी और ना ही हम इस विष को स्वीकारेंगे। इसे केवल असुरों को स्वीकारना होगा, केवल असुरों को। हमें अमृत का मंथन करने का स्वप्न किसने दिखाया? शनि। शनि के कहने पर हम मंथन करने को सज्ज हुए। अब ये विष का उत्तरदायित्व कौन लेगा इसका निर्णय तुम ही करो शनि, क्योंकि हम में से कोई भी ये विष पीने वाला नहीं है। बहुत मार्गदर्शन करने का अभ्यास है ना तुम्हें, अब करो।
मार्गदर्शन। मैं इस मंथन में सक्रिय नहीं, परंतु इस मंथन का उत्तरदायी अवश्य हूं। इसलिए मैं इस विष का पान करूंगा। शनि, रुक जाओ। रुक जाओ शनि। मंथन में अमृत के स्थान पर विष क्यों निकला? आत्म मंथन करते समय शुभ विचारों को जन्म देने से पहले अशुभ विचारों को बाहर निकालना ही पड़ता है। यही मंथन की प्रक्रिया है शनि। प्रत्येक वस्तु और भाव हमारे समक्ष द्वैत रूप में उपस्थित होते हैं। यही देख लो, सुर और असुर दोनों हमारे बीच, जैसे रात्रि के साथ दिन, प्रकाश के साथ अंधेरा जुड़ा होता है, उसी प्रकार अमृत के साथ जुड़ा होता है विष। जैसे सुख की कामना करने वाले व्यक्ति को पहले दुखों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार अमृत पान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विष पान भी करना पड़ता है। शनि, तुमने मुझे धन्य कर दिया वत्स, जो संसार की भलाई और सुरक्षा हित सारे संसार के हिस्से का विष पीने से भी पीछे ना हटे। संसार उसे कभी नहीं भूलेगा। आने वाले सभी युगों में जब भी ग्रहों की चर्चा होगी तो शिव का प्रतिरूप शनि को ही माना जाए। अब तुम पीछे लौट जाओ। परंतु महादेव, इस विष का पान तो करना ही होगा। नहीं शनि, मरण करो। तुमने क्या प्रतिज्ञा ली?
समुद्र मंथन से निकलने वाली किसी भी वस्तु पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। मैं शिव हूं शनि, और शिव शब्द का अर्थ होता है वो जो नहीं है और जो किसी का नहीं होता वो मेरा होता है, भले ही वो विष क्यों ना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.